हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू. दिस इज़ शेख नाजिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, मालेगांव सिटी. आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इससे पहले हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल देख चुके हैं कि किस तरीके से एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. देन आज हम लोगों को जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो कैसा मेथड है? इट इज़ अ वास्ट मेथड और कॉमन मेथड इन एल्गे. अब आप देख सकते हैं इसमें कि देर इज़ टू टाइप. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं. इट्स अ नॉर्मल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज सेक्सुअल एंड इट इज़ अकम्पलिश्ड बाय कॉन्जुगेशन एंड एप्लैनोगैमेटिक एसोगैमी. इन दिस प्रोसेस टू वेजिटेटिव सेल्स कंबाइन देयर कंटेंट टू फॉर्म ज़ायगोट. Conjugation is mainly of two types, that is sclerotic or ladder-like and lateral conjugation. अब sexual reproduction in further two types में हो रहे हैं यहाँ पर. सबसे पहले तो क्या है, किस तरीके से होता है यहाँ पर sexual reproduction occurs? जो two vegetative cells है, two vegetative cells means जो filaments है, different दो अलग vegetative cells है, वो क्या करते हैं अपना जो content है उसमें जो content है उसको combine करते हैं और क्या form करते हैं, zygote form करते हैं. और इस तरीके से जो है वो ये फॉर्मेशन के टू टाइप्स है. फर्स्ट इज स्कैलरी और लैडर लाइक, मतलब जो सीढ़ियों की तरह दिखाई देता है इसका लुकआउट, तो इसलिए उसको स्कैलरी फॉर्म और लैडर लाइक बोला गया है. एंड देन सेकेंड इज लैटरल कॉन्जुगेशन. फर्स्ट सी स्कैलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन. सो यूजली कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल ऑफ टू डिफरेंट फिलामेंट, बट इट मे ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन adjacent cell of the same filament. In a scalar form conjugation, the cells into two filaments which are in contact form, and ye kya form karte hain, protozoan, which are opposite one another and as they elongate the filament are pushed apart. Simply agar main aapko usko bilkul simple language mein samjhana chahu to kya hota hai, scalar form conjugation mein jo do filament hote hain, या तो ये दो डिफरेंट फिलामेंट में भी होता है और एक, या तो सेम एडजेसेंट सेल के थ्रू जो है वो सेम फिलामेंट में भी ऑकर होते हैं. अब स्कैलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं टू फिलामेंट के वो क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, जो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोट्रूजन. प्रोट्रूजन मीन्स व्हाट, के एक प्रोजेक्शन लाइक, जिसके थ्रू वो वन फिलामेंट से अनदर फिलामेंट में इंटर होने के लिए जो पाथवे बनाते हैं उसको प्रोट्रूजन बोला जाता है. एंड विच जो प्रोट्रूजन है वो किस तरीके से होता है, दे इलांगेटेड, और वो जो सामने वाला जो फिलामेंट होता है, मीन्स कि हम क्या बात करें, दो फिलामेंट की बात करें, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो फिलामेंट होंगे, तो एक फिलामेंट से जो वो प्रोट्रूजन फॉर्म होकर दूसरे फिलामेंट में इलांगेट होता है. एंड देन क्या होता है, वो पुश करता है जो भी कंटेंट है उसको एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट में इंटर होने के लिए. हमने इस पहले ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या होता है, कंबाइन ऑफ टू फिलामेंट्स कंटेंट, जो भी टू वेजिटेटिव सेल्स है उसका जो कंटेंट है वो कंबाइन होता है एंड दे फॉर्म ज़ायगोट. सो इस तरीके से यहाँ पे प्रोट्रूजन फॉर्म होने के बाद कंटेंट जो है वो एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट में इंटर होता है. देन व्हाट हैपन, फाइनली द वॉल्स सेपरेटिंग द प्रोट्रूजन्स ऑफ द कॉन्जुगेटिंग सेल्स आर डिजॉल्व, रिजल्टिंग इन एन ओपनिंग कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन ट्यूब. Meanwhile, the content of the two participating cells contract. Fusion of the contracted cells content takes place within one of the two conjugation cells. This type of conjugation is known as scalary form conjugation. Simply, अब मैं इसको आपको with figure के या with picture के इसको explain करती हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं. Then the active gamete, that is the cell whose content passed through the conjugation tube, may be designated as a male gamete, and the cell where fusion occurs is known as the female gamete. Through they are morphologically similar. अब यहाँ पर सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको याद रखनी है, वो क्या है, सी जो टू डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, आपको दिख रही है कि यहाँ पे सिंपल ये एक सिंगल फिलामेंट बताया जा रहा है, इधर ये वेजिटेटिव सेल्स है और एक फिलामेंट है आप एल्गी का, स्पायरो वगैरह का. अब यहाँ पे आप उसी में जो दूसरी पिक्चर देखो,
इसमें जो है वो दो फिलामेंट है एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, देन वो एक अटैचमेंट का पाथवे बना रहे हैं जिसको हम प्रोट्रूजन बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये जो डिजॉल्व होती है वॉल क्या होती है, डिजॉल्व होती है दूसरे फिलामेंट की, एंड जो कंटेंट है वो क्या होता है उसमें इंटर होता है। इंटर होने के बाद क्या होता है, वो जो है वो पूरी पाथवे जो वे बना था प्रोजेक्शन का वो भी क्या हो जाता है और ख़त्म हो जाता है वो टोटली डिजॉल्व हो जाने के बाद। अब जो है वो दूसरे फिलामेंट में एक फिलामेंट का कंटेंट दूसरे फिलामेंट में भी चला जाता है, एंड देन वो क्या फॉर्म करते हैं जायगोट। सी आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि पहले दो वेजिटेटिव सेल्स थे, यहाँ पर दो वेजिटेटिव फिलामेंट्स थे, देन उसमें से जो वन सिंगल है उस आप क्लियरली इसमें पाथवे देख सकते हो प्रोटोजन का। यहाँ पे क्या होता है इलांगेटेड होता है, एंड देन पेनिट्रेट होने के बाद क्या होता है ये अपना पूरा कंटेंट जो है दूसरे फिलामेंट में इंटर कर देता है, एंड देन आफ्टर दैट क्या होता है सेल डिजोल्व हो जाती है, सेल वॉल जो है उसकी डिजोल्व हो जाती है, एंड देन वो सेपरेट हो जाते हैं, अगेन सेपरेट हो जाते हैं। तो जो दूसरा फिलामेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो फुल कंटेंट हो गया है, उसमें जायगोट के फॉर्म में बनना शुरू हो गया है वो। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको सी आप इसमें भी क्लियरली देख सकते हैं कि टोटली जो है वो एक फिलामेंट से अपना पूरा कंटेंट दूसरे फिलामेंट में इंटर कर देते हैं, एंड देन दे फॉर्म अ जायगोट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब हमको नहीं पता है मार्फोलॉजिकली क्या है, दोनों फिलामेंट सेम है इन एल्गी और एस्पायरो वगैरह, मार्फोलॉजिकली दोनों फिलामेंट सेम है, बट हमको अब पता नहीं है कि इसमें मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है। तो यहाँ पर इस तरीके से कंसिडर किया गया है या डिजिग्नेट किया गया है कि इफ़ जो फिलामेंट अपना कंटेंट दूसरे फिलामेंट में इंटर करता है तो उस इंटर करने वाले फिलामेंट को मेल मेल नाम दिया गया है कि वो क्या है मेल गैमेट्स है, और जो फिलामेंट है वो अपने और जो फिलामेंट जो है इनसाइड द कंटेंट लेता है अपने फिलामेंट में जो इंटर करता है जायगोट फॉर्म करता है वो क्या है एज अ कंसिडर और डिजिग्नेट है फीमेल गैमेट। इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको रफली समझा देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मार्फोलॉजिकली दोनों फिलामेंट सेम है, हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मार्फोलॉजिकली दोनों फिलामेंट सेम है। तो जो फिलामेंट मूव होकर एक अपना कंटेंट दूसरे फिलामेंट में इंटर करता है वो क्या है मेल फिलामेंट है, और जो फिलामेंट कंटेंट को एक्सेप्ट करता है और जायगोट फॉर्म करता है वो कौन सा है फीमेल फिलामेंट है, ठीक है। देन हम उसको एक उसका लाइफ साइकिल रफली देख लेते हैं। सी टू वेजिटेटिव सेल्स यहाँ पर अपर सबसे ऊपर आप देखिए दो वेजिटेटिव सेल्स हैं यहाँ पर, देन सेम सेल्स है दो सॉरी वेजिटेटिव सेल्स एंड फिलामेंट बोथ आर द सेम, बिल्कुल सेम है मॉर्फोलॉजिकली, वो हम उसमें नहीं बता सकते कि इसमें मेल गैमेट कौन सा मेल फिलामेंट कौन सा है और फीमेल फिलामेंट कौन सा है। आफ्टर दैट क्या होता है दोनों क्या करते हैं फॉर्म बना एक पाथवे बना रहे हैं प्रोटीजनस पाथवे जो है बना रहे हैं। देखिए आप वो जो सेल है इलांगेटेड होने के बाद जो है वो पाथवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देन आप थर्ड स्टेप में देखिए कि क्या होता है वो फॉर्म प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्म हो गया। आफ्टर दैट क्या होता है प्रोजेक्शन फॉर्म होने के जो मेल फिलामेंट है वो अपना कंटेंट जो है वो फीमेल फिलामेंट में उस पाथवे के थ्रू जो है वो इंजेक्ट करता है। देन सी अब एक जो है वो फिलामेंट बन गया, अब उसने अपना जो कंटेंट है वो जायगोट फॉर्म के लिए जो है वो सामने वाले फिलामेंट में इंटर कर दिया। अब वहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए इसको एक जायगोट जो है बिल्कुल फॉर्म हो गया है यहाँ पर। देन व्हाट हैपन आफ्टर द जर्मिनेट ऑफ जायगोट दे फॉर्म दे गोज अंडर इन मियोसिस कंडीशन। मियोसिस कंडीशन आपको भी पता है कि मियोसिस कंडीशन में क्या होता है और व्हाट इज़ द मियोसिस, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या होता है सेल डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स टू राउंड ऑफ डिवीजन दैट्स अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन फोर सेल। आप देख सकते हो उसमें कि जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है कि ये सेक्शुअली जो है वो रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ये ऑकर होता है, एंड देन क्या होता है दे इन्वॉल्व टू राउंड ऑफ डिविजन्स, टू राउंड ऑफ डिविजन इज अल्टीमेटली फॉर्म फोर सेल्स, ठीक है। इस तरीके से ये फोर सेल्स इन डिवाइडेशन जाते हैं, देन दे फॉर्म ए फाइनल वन हैप्लॉइड न्यूक्लियर स्टेज एंड देन द यंग फिलामेंट इज ऑकर। देन आफ्टर दैट क्या होता है लाइफ साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू चलता है कि पहले दो सिमिलर जो है मॉर्फोलॉजिकल सेम फिलामेंट होते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं वो प्रोट्रूजन फॉर्म करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्म करते हैं, उसके बाद
एक फिलामेंट जो है वो अपना कंटेंट दूसरे फिलामेंट में इंटर करता है, उसके बाद क्या होता है, दे फॉर्म अ जायगोट। आफ्टर द कंप्लीटिंग द जायगोट क्या होता है, सेल जर्मिनेशन होता है, एंड सेल जर्मिनेशन में क्या होता है, दे गोज अंडर मियोसिस कंडीशन। मियोसिस जर्मिनेटिंग जायगोट क्या होता है, मियोसिस कंडीशन में जाने के बाद क्या होता है, दे में फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियर स्टेज एंड देन आफ्टर दैट द वन हैप्लॉयड न्यूक्लियर स्टेज एंड द यंग फिलामेंट इज ऑकर। इस तरीके से ये जो है वो पूरा लाइफ साइकिल्स में चलता है। देन द सेकेंड रिप्रोडक्शन इज लेटरल कंजुगेशन। इन दिस कंजुगेशन इन अ फ्यू स्पेसीज कंजुगेशन ऑकर्स बिटवीन द एडजस्टेंट सेल्स और द सेम फिलामेंट। स्मॉल प्रोटिजनस अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ और द लेटरल वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रॉस वॉल और द पार्टिसिपेटिंग सेल। With the growth of the proteogenous, the cross wall also become stretched. Finally, as the cross wall cannot keep pace with the growth of the proteogenous, the latter loses its content with the former. A side link in the established between the two cells. Simple यहाँ पे क्या है, देखिए पहले हमने क्या देखा, sexual reproduction में two type के reproduction होते हैं और two type के conjugation होते हैं। First क्या है, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन है, लैडर लाइक जो सीढ़ी की तरह, क्योंकि इसमें दो फिलामेंट होते हैं, देन बीच में से जब वो प्रोटीजनस फॉर्म करते हैं तो वो एक बिल्कुल लैडर लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। बट इन लैटरल कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये सेम फिलामेंट में होते हैं, इसमें दो फिलामेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये एक ही फिलामेंट में कॉन्जुगेशन करते हैं, एक ही फिलामेंट में इसमें रिप्रोडक्शन होता है। किस तरीके से होता है, जो इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको इसमें फिगर से बताती हूँ, सिंपल हम इसको पहले देख लेते हैं। थ्रू द विच प्रोटोप्लास्ट ऑफ द वन सेल माइग्रेट्स इनटू द अदर फ्यूजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ जायगोट, दिस इज कॉल्ड लेटरल कॉन्जुगेशन। सी इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो कि एक सिंगल फिलामेंट है एंड इसमें क्या प्रोसेस होता है, कंजुगेशन कैनल्स फॉर्म बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। यहाँ पे जो है वो एडजेसेंट सेल्स में से कैनल्स फॉर्म होते हैं। कैनल्स फॉर्म होने के बाद क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कंजुगेशन कैनल जो है वो ऑकर हुई, बनना शुरू हुई, वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करता है कहाँ पर, मेल गैमेट्स फ्यूज विथ फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जायगोट। आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए वहाँ पर कैनल फॉर्म हो रहे हैं, देन सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं आपकी जो कंटेंट है वो कैनल के थ्रू किस में जा रहा है, फीमेल गैमेट में। एंड थर्ड पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो कि एक ही फिलामेंट में किस तरीके से जो है वो एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट में इन्वॉल्व करके जो है टू फॉर्म ए जायगोट, यहाँ पे जायगोट होता है। दोनों रिप्रोडक्शन बिल्कुल इजी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको रफली याद रखना है, एक जो है वो स्कैलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जो दो फिलामेंट दो एडजेसेंट सेल के बेस पर होता है, जिसमें दे मेक अ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के थ्रू जो है वो अपना कंटेंट दूसरे फिलामेंट में इंटर करते हैं, वहाँ पे जायगोट बनता है। आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ जायगोट वहाँ पे क्या होता है, सेल्स बनते हैं, न्यूक्लियर स्टेज में जाते हैं, हैप्लॉइड स्टेज में, एंड देन व्हाट हैपन, मियोसिस वहाँ पे ऑकर होता है, फोर न्यूक्लियर सेल्स बनते हैं, देन फाइनल जो वन हैप्लॉइड न्यूक्लियर स्टेज में फॉर्म होता है, एंड देन दे फॉर्म अ यंग फिलामेंट। इन दिस आप देख सकते हो कि इसमें सिंगल फिलामेंट में रिप्रोडक्शन ऑकर हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर हो रहा है, और इसमें भी सेम इसी तरीके से जो कैनल या जो फिलामेंट में जो प्रोजेक्शन में आप जो एडजेसेंट सेल है उसमें कैनल फॉर्म हो रहा है, मीन्स व्हाट के दे आर मेल गैमेट, और जिसमें वो इंसर्ट कर रहे हैं दे आर फीमेल गैमेट। तो आप देख सकते हैं कंजुगेशन कैनल फॉर्म होने के बाद क्या होता है, एडजेसेंट सेल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स एंड देन मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जायगोट। देन आफ्टर द इंसर्ट सी आप देख सकते हो इस तरीके से भी होता है, इसमें पैसेजेस फॉर्म बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल्स के बीच में पैसेज फॉर्म होता है, पैसेज मीन्स व्हाट, जब स्पेस बनती है वहाँ पर, एंड देन मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट। इस तरीके से भी जो है ये एक ऑकर होता है, एक कैनल फॉर्म में होता है, दूसरा जो है इस तरीके से, सेम फिलामेंट की बात कर रहे हैं हम, लैटरल कंजुगेशन की ही बात कर रहे हैं इसमें। देन जायगोट फॉर्म इन अल्टरनेट सेल्स, अल्टरनेट जो एक के बाद एक जो सेल्स है उसमें जायगोट फॉर्म होता है, आप क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो था ये रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इट इज अ एल्गी,
एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर होता है। दो टाइप्स है उसकी, सबसे पहली है स्केलरी फॉर्म और लेडर लाइक स्ट्रक्चर और कॉन्जुगेशन, और सेकेंड है लेटरल कॉन्जुगेशन। स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में दो फिलामेंट की ज़रूरत होती है, उसमें जो फिलामेंट अपना कंटेंट पास करता है उसको फीमेल गैमेट्स बोला जाता है, और जो कंटेंट के एब्सेप्ट करने के बाद जो है वो जायगोट फॉर्म करता है, इट इज़ अ फीमेल फिलामेंट। देन व्हाट हैपन, जो इन लेटरल में है क्या होता है, सेम फिलामेंट में ऑकर होता है, या तो वो कैनल फॉर्म करते हैं या फिर पैसेज फॉर्म करने के बाद जो है वो कंटेंट को इंटर करते हैं, एंड देन दे मेक अ जायगोट टू फॉर्म इन अल्टरनेट सेल। इस तरीके से ये ओवरऑल जो है सिंपल बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको उसको इसी तरीके से याद रखना है विद फिगर के, ठीक है। वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, आवर नेक्स्ट बी जर्मिनेशन एंड सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ स्पायरोगायरा। टिल दैट टाइम गुड लक, थैंक यू।